हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस नॉलेज पॉइंट। और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं, 21 से 28 अगस्त के बीच में हैं, और जो कि एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं। पहला देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैज अनाउंस्ड टू सेट अप साइक्लोन वार्निंग सेंटर इन केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मतलब देखिए, जियोमेट्रोलॉजिकल या जब भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया है? साइक्लोन वार्निंग सेंटर। साइक्लोन वार्निंग सेंटर लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और ये किया गया है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला का कैपिटल है। अभी जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ था और लगभग 450 से ज़्यादा लोगों की जान इसमें चली गई हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो है केरला में स्थापित किया जा रहा है, तिरुवनंतपुरम में। दूसरा देखें, इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड गवर्नर्स इन 7 स्टेट्स। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अभी 7 गवर्नर्स को, यानी 7 गवर्नर्स को 7 अलग अलग राज्य में अपॉइंट किए हैं। इसके लिए संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 153 बोलता है कि सभी राज्यों में एक गवर्नर होना चाहिए, यानी गवर्नर फॉर ईच स्टेट की बात किया जा रहा है। लेकिन बाद में 1956 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, जो कि 7वां संविधान संशोधन था, उसमें बताया गया कि कोई भी गवर्नर एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 156 है, आर्टिकल 156 जिसमें कि बताया गया है कि राज्यपाल का जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो 5 साल के लिए है। लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बीच में हटा सकता है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, प्रेसिडेंट की मर्जी पे ही एक गवर्नर का पोस्ट काम करता है। अभी जो 7 गवर्नर, 7 राज्यपाल का जो नियुक्ति हुआ है उसमें देखें तो पहला देखें तो वह सत्यपाल मलिक। आपको ध्यान में होगा, सत्यपाल मलिक जो थे वो पहले बिहार के गवर्नर थे, अभी उनको जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया है। और लालजी टंडन उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है, बिहार के गवर्नर अभी लालजी टंडन है और सत्यपाल मलिक जो हैं वो बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर। गंगा प्रसाद जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं, तथागत राय, उनको मेघालय का गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। और सत्यदेव नारायण आर्य ये हरियाणा के गवर्नर बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के हैं, नालंदा से हैं, और यहाँ से लगभग 8 बार ये जीते हैं, 8 बार ये विधायक रह चुके हैं, और इनको इस बार जो है गवर्नर का पोस्ट दिया गया, सत्यदेव नारायण आर्य। और 7वां में देखें तो बेबी रानी मौर्य का उत्तराखंड का गवर्नर के रूप में चुना गया है। आगे हम लोग देखते हैं राही शहनोबाद, ये भारत की पहली महिला हैं जो कि गोल्ड मेडल जीती हैं, किसमें? शूटिंग में जीती हैं, जो कि 2018 में जो एशियन गेम्स चल रहा है, जकार्ता में चल रहा है, तो वहाँ पे शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, राही शहनोबाद। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो कि लिस्ट पब्लिश करता है, जिसमें कि बताया है कि 7th हाईएस्ट पेड वीमेन स्पोर्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड वो PV सिंधु हैं। PV सिंधु जो हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन है, और फर्स्ट स्थान पे, यानी प्रथम स्थान पे वो है सेरेना विलियम्स। आगे हम लोग देखें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का जो मीटिंग हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसमें टोटल 29 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, और इसका थीम था बुद्धा पाथ द लिविंग हेरिटेज, और ये चला था 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में। और इस बुद्धा पाथ में जो है कि 8 जो भी ग्रेट प्लेसेज हैं जो इंडिया के, जो कि बौद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं, उन सारे को आपस में कनेक्ट करने की बात किया गया था, वही है बुद्धा पाथ। टोटल 8 ग्रेट प्लेस में देखा जाए तो 3 ग्रेट प्लेस जो है वो बिहार का आ जाता है, राजगीर, नालंदा और बोधगया, और उसके अलावा और भी 5 है जो कि UP के सारनाथ हैं और भी हैं। तो ये था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, इसका मीटिंग कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, 23 से 26 अगस्त के बीच में हुआ था। आगे देखें वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक लॉन्च किया गया है पहला पब्लिक ब्लॉकचेन बॉन्ड है, उसका नाम है Bond-i। तो आपको ध्यान में रखना है कि Bond-i लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक का दुनिया का ये पहला जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, ब्लॉकचेन बॉन्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
आगे हम लोग देखें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अलॉट किया गया है स्पेस, कहाँ पे अलॉट किया गया है, वो किया गया है जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसमें से 3-4 एयरपोर्ट्स का नाम किया गया, उन सारे एयरपोर्ट्स पे अलॉट किया गया जहाँ पर कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड, तो ट्राइफेड का वहाँ पे यानी ट्राइबल आउटलेट होगा, यानी ट्राइबल प्रोडक्ट जो भी बनते हैं उसका आउटलेट जो है इन सारे एयरपोर्ट पे होंगे। अभी जो ट्राइबल आउटलेट जो खोला गया है, अभी 3 जगह खोला गया है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उदयपुर एयरपोर्ट जो कि राजस्थान में है और कोलकाता एयरपोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इन सारे एयरपोर्ट पे जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड के द्वारा ट्राइबल आउटलेट खोला गया है। अगला एक टर्म है नेता ऐप, एक एप्लीकेशन बनाया गया है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है नेता, NETA, NETA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन, नेता ऐप है। इसको फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के द्वारा आप अपने लीडर्स को या फिर जो आपका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिनको आप चुन के भेजे हैं उनको आप वोट कर सकते हैं, उनको रेट कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए नेता ऐप बनाया गया है। इस ऐप का अगर क्रिएट किया जाए, अगर देखा जाए तो प्रथम मित्तल इसका ब्रेन चाइल्ड इसी का, जो कि 27 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, तो इसी का ब्रेन चाइल्ड के रूप में इसी का दिमाग का उपज माना जाता है नेता ऐप, जिसमें कि नेताओं को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं और रेट कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आगे हम लोग देखें इंडिया और सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर साइन किया है सेकंड प्रोटोकॉल जो कि अमेंड, जिसमें कि संशोधन किया है, किसको संशोधन किया है, वो किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट CECA। तो CECA एग्रीमेंट जो इंडिया और सिंगापुर का था उसमें जो है अमेंडमेंट पे साइन किया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। आगे हम लोग देखें रोहन बोपन्ना एंड द्विज सदन, रोहन बोपन्ना एंड द्विज सदन जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और दोनों जीते हैं डबल्स में, मेंस के डबल्स में, और ये दोनों टेनिस के प्लेयर हैं। 2018 एशियन गेम्स में मेंस डबल्स में इन्होंने जीता है, रोहन बोपन्ना एंड द्विज सदन। आगे देखें ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है लॉन्च किया है एक सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम है विंड सेंसिंग सैटेलाइट। विंड सेंसिंग सैटेलाइट जो है इंडिया, जो वर्ल्ड का पहला विंड सेंसिंग सैटेलाइट है और इसका नाम है AEOLUS। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और ये क्या है विंड सेंसिंग सैटेलाइट, विंड का सेंसेशन को पता लगाएगा और ये वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है AEOLUS। इसमें 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे देखें G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल का मीटिंग जो हुआ था वो हुआ था साल्टा में। साल्टा कहाँ है, वो है अर्जेंटीना में, और इसका जो थीम था वो थीम है बिल्डिंग कंसेप्ट्स फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला हम लोग देखें तो थर्ड इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का तीसरा जो है मीटिंग वो हनोई में हुआ है। हनोई कहाँ है, वियतनाम का कैपिटल है। इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट वाज पावर्ड बाय जेट्रोफा। बायोफ्यूल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, बायोफ्यूल का मतलब बायोलॉजिकल फ्यूल होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग फ्यूल निकालते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे होंगे उसके तने से, उसके बीज से, उसके छाल से हम लोग जब फ्यूल निकालते हैं तो उसको कहा गया है बायोफ्यूल। इसमें जो है कि जेट्रोफा सीड का जो है उससे फ्यूल बनाया गया है और उस फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है किसमें, प्लेन में, यानी जो फ्लाइट है उसमें इस्तेमाल किया गया। वो फ्लाइट था देहरादून से दिल्ली के बीच में, ये लगभग 23 मिनट का फ्लाइट था, तो उसमें जेट्रोफा सीड का फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इंडिया का पहला बायोफ्यूल फ्लाइट है। अगला देखें पंजाब असेंबली पासेज बिल्स टू मेक डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट पनिशेबल विथ लाइफ टाइम। अगर रिलीजियस जो धार्मिक ग्रंथ है उसके में अगर छेड़छाड़ किया जाता है, उसके साथ कुछ अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो उसके लिए सजा जो है उसको लाइफ टर्म की सजा है, इसके लिए जो विधेयक है पास कर दिया गया है पंजाब असेंबली में। तो ये थे इस सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।